गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट क्लास में अपने शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, भारत के इतिहास को जानने के स्रोत पहला पार्ट है, जिसमें भारत का वैभवपूर्ण अतीत चल रहा है। उसमें अपने आज तीसरी क्लास है, इसमें आज अपन पढ़ेंगे भारत के पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि बता दिया पहले, साहित्यिक स्रोत में जिसके अंदर लिखित अवस्था में अपन को सारी सामग्री मिलती है वो साहित्यिक स्रोत में आता है। और पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जिनको अपन छू या देख सकते हैं, वो सारे स्रोत किस में आ जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत। सिंपल परिभाषा कह सकते हैं इसकी। अब इसको पुरातात्विक स्रोतों को भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। अभी जो नेक्स्ट अपना पूरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर चलेगा। पुरातात्विक स्रोतों को भी मतलब अध्ययन की दृष्टि से पांच भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग है उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष, जिसके अंदर उस समय के तत्कालीन समय के अपन को कुछ सामग्रियाँ मिलती है। जैसे अपन बात करें नॉर्मली, कहीं कोई आप नदी वगैरह में घूमने गए हो तो देखा होगा मिट्टी के साथ में अपन को कुछ ऐसे जो मिट्टी के घड़ों के जो अवशेष वगैरह मिलते हैं, या कहीं पर खुदाई में वगैरह भी अपन जैसे घरों के नींवें वगैरह खोदते हैं तो उसमें भी अपन को कहीं पर भी ऐसे पत्थर वगैरह कुछ ऐसी खिलौने की कलाकृतियाँ निकलते देख आम बात देखी होगी अपने, तो वो सारे किस में आते हैं? उतने उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष में। फिर इसके बाद में आता है अभिलेख। ये अपने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इसमें क्या बात होती है, इनको लिखित अवस्था में भी अपन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये किसी कार्य विशेष के लिए ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनका अभी अपन विस्तार से बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। सामान्य रूप से पहले ये अपन देख लेते हैं अभिलेख, जिनके मान लो पत्थर शिलाओं पर कोई विशेष बात लिखी हुई हो तो उसको क्या कहेंगे अपन? अभिलेख। फिर आते हैं अपने सिक्के व मुद्राएं। तत्कालीन समय में राजाओं द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए, किस प्रकार के सिक्के चलाए गए, उनके अंदर कौन कौन सी धातुओं के थे, या किस विशेष कार्य योजना के कारण उनको बनाए मतलब उनको लागू किया गया, वो सारा आ जाएगा। फिर आती है मुद्राएं। मुद्राएं भी एक मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम थी, तो वो किस प्रकार से उसमें क्या क्या जानकारी अपन को मिलती है वो सारा इसमें पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत के रूप में उनका किस प्रकार से उपयोग होता है वो पढ़ेंगे। और फिर आता है स्मारक व भवन। तत्कालीन समय में राजा द्वारा किस प्रकार से कोई महल वगैरह बनवाए गए हैं, या किसी विशेष मतलब व्यक्ति के याद में कोई भवन का निर्माण वगैरह किया गया रहता है, तो वो सारा किसमें आ जाएगा? स्मारक एवं भवन में। फिर इसका पांचवा भाग आता है, जिसमें मूर्तियाँ। तत्कालीन समय में अपन को बहुत सारे स्थानों पर तत्कालीन समय की जो मूर्तियाँ वगैरह मिलती है उनमें भी उस समय की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव अपन को देखने को मिलता है। इसके साथ में नाम लिखा हुआ है शैल चित्र, यानी जो उस समय जब पाषाण अवस्था में मानव है जो गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, तो वहाँ पर भी वो अपने जो मनोरंजन के साधनों के रूप में बैठे बैठे वो चित्रों वगैरह को बनाता था, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? शैल चित्र में। फिर आती है कलाकृतियाँ आदि। जैसे अपन को बात करें हड़प्पा काल की वगैरह, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्खनन से प्राप्त जो अपन को वस्तुएं मिली है उसमें नर्तकी की मूर्ति वगैरह है, या जो योगी की मूर्ति वगैरह है, तो उनसे अपन को तत्कालीन समय की स्थिति परिस्थिति की जानकारी मिलती है। तो उस समय की जो स्थिति परिस्थितियों की जानकारी देने के वाले जो स्रोत है जिनको अपन लिख देख सकते हैं वो सारे किस में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत। और जो ऐसे स्रोत जिनके अंदर केवल अपन को लिखित अवस्था में तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है वो आते हैं अपने साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को जानने के केवल दो माध्यम है, जिसमें एक तो है पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पिछली दो क्लासों में अपन ने साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था, आज अपन शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें आज अपन पहला ये अपना टॉपिक लेते हैं उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इसमें अपने जो किताब से ले ताकि कोई टॉपिक पीछे न रहे। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि ये उस समय की स्थिति को पूर्ण रूप से, जैसे मान लो कोई किताब लिखेगा तो किताब में तो कहीं वो सुनी हुई बात अभी लिख सकता है, लेकिन इसमें जो अपन को जगह मान लो किसी जगह पर कोई भवन मिला तो स्वाभाविक है वो भवन किसी ने बनाया होगा तभी वहाँ पर मिला है, कोई अभिलेख मिला है तो अभिलेख में भी कुछ महत्वपूर्ण बात होगी तभी उसको लिखा गया है, तो वो इसमें इसका जो जानकारी का सटीक स्रोत होता है, यानी इसको अपन शुद्ध रूप से मान सकते हैं कि भाई ये इसका प्रमाणिक स्रोत है। फिर है पुरातात्विक का तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना, अतीत की जो जानकारी इससे अपन एक कहा जाता है कि इतिहास की जो इतिहासकार है पुनर्रचना करते हैं, यानी पहले जो घटना घटित हो गई है अब उस घटना को व्यवस्थित रूप में वापस इतिहासकार उसको पहले किताबों में लिखा हुआ पड़ेगा उस समय की, और फिर उसके पुरातत्व स्रोतों के माध्यम से उसको व्यवस्थित वापस क्या करेगा? लिखने का कार्य करेगा। तो इसका मतलब इतिहासकार अतीत के ज्ञान से वापस इतिहास की क्या करते हैं? पुनर्रचना करते हैं। ये इसमें बताया गया है कि मानव के उस समय के दिन के बाद अपन को इसकी पुरातात्विक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अपन को सबसे जो बात करते हैं सन 1921 और 1922, ये जो दो ये थे वो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण ये रखे गए हैं, क्योंकि इस समय दो क्षेत्र है जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
जोदड़ो। ये अंग्रेजों के समय क्या हुआ, कुछ भारत के अंदर जो पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो उस रेल की पटरियों के अंदर क्या है, पहले जो लकड़े के स्लीपर लगाए जाते थे, ये जो स्लीपर होते थे अभी तो वर्तमान सीमेंट के होते हैं, लेकिन उस समय लकड़े के स्लीपर लगाए जाते थे। और वहाँ पर जो पाकिस्तान का क्षेत्र जहाँ पर ये लगाए जा रहे थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्षेत्र, उसमें वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा थी, तो अब वहाँ पर रोड़ियों की आवश्यकता पड़ी छोटे छोटे पत्थरों के। तो उन्होंने क्या किया, पास में एक टीला था और टीले के आसपास खूब सारे रोड़े बिखरे हुए पड़े थे, ईंटें टूटी हुई बिखरी पड़ी थी। तो लोग वहाँ पर जो इसको बनाने वाले व्यक्ति थे, जो इसके इंजीनियर थे, उन्होंने उन रोड़ियों का इस्तेमाल इस रेल की पटरियों को बिछाने में कर दिया। तो उसमें उनके साथ में कोई विद्वान व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने इसकी सूचना है जो तत्कालीन समय के भारतीय जो पुरातत्वविद थे उनको दी, और उन्होंने फिर वहाँ पर उस काम को रुकवा दिया। और बाद में उसका 1921 में दयाराम सानी द्वारा और 1922 में हड़प्पा के जो अपने वहाँ पर उत्खनन किया गया, तो ये जानकारी मिली कि भारत में लगभग 6000 वर्ष पूर्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व ईसा के जन्म से पहले, अभी वर्तमान में जो 2020 चल रहा है तो उससे पहले 6000 और जोड़ देते हैं, तो इतने समय पुरानी जो अवशेष है इनका इनको पता चला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में। तो ये तत्कालीन समय में, मतलब इससे 1920 या इससे पहले भारतीयों को जानकारी नहीं थी कि अपने यहाँ पर जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता धसी हुई है। और वर्तमान में इसके लगभग काफ़ी सारे स्थल खोजे गए हैं, जिसमें पूरे अपने सिंध क्षेत्र है और पूरा जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, अपने भारत में भी जैसे राजस्थान है, गुजरात है, दक्षिण में ठेठ जो महाराष्ट्र का दैमाबाद है, वहाँ तक भी स्थल खोजे गए। अभी जो अपन पढ़ेंगे आगे की क्लासों में हड़प्पा सभ्यता का, उस समय हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर सामान्य रूप में से मैंने जानकारी दी है ताकि आपको पता चले कि पुरातत्व किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत के जो 6000 साल पहले की जो जीवन शैली थी उसकी जानकारी अपन को किससे प्राप्त हुई, इन्हीं पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त हुई है। तो ये अपन आगे की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अब सामान्य रूप में अपन देखते हैं कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अब जो खनन हुआ उसके अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां निकली है। अब मान लो किसी स्थान पर पूजा के अवशेष मिले हैं, किसी स्थान पर मान लो पशु पक्षियों की जो मण मूर्तियां मिली है, कुबड़ वाले बैल वगैरह की मूर्तियां मिली है, तो इससे अपन को पता चलता है कि भाई उस समय बैलों का अधिक महत्व था। किस किस प्रकार के खिलौने मिले, तो उससे पता चलता है कि जिन खिलौने मिले होंगे उन पशुओं के बारे में उनको जानकारी होगी। तो ये सारे तत्व है उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी परिस्थितियों की अपन को जानकारी देते हैं, जानकारी के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इस पुरातत्व के जो पूरा स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, पहला अपन भाग लेते हैं पुरातत्व अवशेष। अब इसमें क्या रखा होता है महत्वपूर्ण, सबसे बात है मर्द भांड, मर्द भांड। अब मर्द भांड क्या होता है, मर्द भांड के अंदर मुख्य रूप से तत्कालीन समय में जो अपने खाने बनाने के बर्तन सामग्री वगैरह कह सकते हैं अपन, जिसमें कुछ वस्तुएं रखी जाए, वो सारे मर्दभांड में आ जाएंगे। तो उसको अभी 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तब खनन के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, सबसे प्राचीन, फिर उससे नया वाला, फिर उससे नया वाला, फिर उससे नया वाला। तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है गेरुए रंग के मर्दभांड, गेरुए रंग के मर्दभांड। अब इसमें क्या था, ये गेरुए रंग के क्यों थे, क्योंकि इनको मतलब प्रारंभिक अवस्था में मानव ने निर्मित किया, मिट्टी से बनाया और फिर इनको धूप में सूखा दिया, तो इसका ज़्यादा अपने कलर इफेक्ट नहीं पड़ा। ये गेरुए रंग के और मतलब थोड़ा अपरिष्कृत थे, मतलब एकदम व्यवस्थित से उनको नहीं बनाया गया था, तो ये गेरुए रंग के मर्दभांड हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने प्रकार के आते हैं काले, काले एवं लाल रंग के मर्दभांड, लाल रंग के मर्दभांड। अब इनकी क्या विशेषता है, ये अपने जो मर्दभांड है काले और लाल क्यों हैं, क्योंकि इस समय तक मनुष्य को आग की वगैरह जानकारी हो गई थी, तो इन्होंने इन मर्दभांडों को पहले थोड़ा मिट्टी से, गीली मिट्टी से बनाया, फिर उनको पकाया धूप में, और फिर इनको भट्टे में डालकर उनको क्या किया, गर्म किया, और वहाँ पर उनको मजबूत बनाया, तो इसीलिए थोड़े काले और लाल रंग के हो गए। फिर इसके बाद में तीसरे प्रकार के अपने आते हैं, जिसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, और इस बार इन्होंने अपने लगभग इन्होंने क्या किया, इन पर थोड़ी कलात्मक रचना की, यानी चित्रित टाइप में इन पर, जैसे वो अपने कच्ची मिट्टी पे जैसे डोरी वगैरह से इन्होंने विभिन्न कलाकृतियाँ बनाना शुरू कर दिया, तो चित्रित अपने काले रंग के मर्दभांड के मर्दभांड। फिर इसके बाद और ज़्यादा विकास हुआ, अब इससे भी अच्छे बनने लगे, अब उन्होंने इन मटकों पर पॉलिश करना शुरू कर दिया, तो इनको कहते हैं उत्तरी, पॉलिश करना शुरू कर दिया उत्तरी काले, काले समकीले, उत्तरी काले साथ में है और इसके साथ में क्या हो गया, समकीलापन जोड़ गया,
समझिलापन जोड़ दिया, तो ये हो जाएंगे अपने चौथे प्रकार के। पहले में सीधे केवल गहरे रंग के थे, दूसरे में काले और लाल रंग के थे, तीसरे में उनके ऊपर क्या कर दिया चित्र वगैरह बनाना शुरू कर दिया, और चौथे में उत्तर काले समकीले। अब देखो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, नयापन आ रहा है, अपन भी देखते हैं कुछ वस्तुओं में धीरे धीरे, और क्या जैसे जैसे उसका विकास होता है तो उसमें नयापन आना शुरू होता है। तो ये सारे प्रकार के इनको बांटा गया है, जिसमें अपने याद रखने का अपने सिंपल सा तरीका है OBPN। इंग्लिश में तुम इसमें देखोगे तो इसके इंग्लिश में अपने इसके इनके नाम दे रखे हैं ऑक्यूर कलर्ड पोट्री। पहली है जो ऑक्यूर कलर्ड पोट्री है, दूसरी है अपने बी से पता चलता है ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर तीसरी है अपने पेंटेड ग्रे वेयर, जो पेंटेड यानी चित्रित है, फिर है अपने चौथी है नॉर्थ ब्लैक वेयर। तो ये चार पोट्री इसमें मुख्य रूप से अपन को पढ़ते हैं, और ये अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से इनको अपने हड़प्पा काल का माना जाता है, और हड़प्पा के साथ जितने भी स्थल जुड़े हुए हैं सभी क्षेत्रों से अलग अलग रूप में ये प्राप्त हुई, और फिर इसके विकास क्रम के आधार पर इन क्षेत्रों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्य रूप से अपने इसके अलावा और क्या वहाँ पर उनको प्राप्त होती है उत्खनन में, मृदभांडों के अलावा तत्कालीन समय की छोटी छोटी अपन को खिलौने वगैरह है, टेराकोटा वगैरह के विभिन्न प्रकार के जो कलात्मक वस्तु, टेराकोटा जो गीली मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा तत्कालीन समय के जो अपने मंदिर निर्माण, जो अपने भगवान के पूजा के वगैरह स्रोत थे, या किस प्रकार से उनका पशु पक्षियों से उनका संबंध है, वो सारा इसमें आ जाएगा, भवन वगैरह सारे ये अपने आगे वाला टॉपिक हो जाएगा। तो अभी ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष हो गए, जिसमें अपने मुख्य रूप से कौन से रखे हैं, मृदभांड रखे हैं, और मृदभांड भी कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में, जिसमें गैरू है, फिर काले, फिर चित्रित, और फिर उत्तरी समकीले मृदभांड। फिर आता है अपने नेक्स्ट आता है अभिलेख। अभिलेख है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभिलेख महत्वपूर्ण इसलिए है, आपने अपने समाज के वगैरह कहीं भवन वगैरह देखे होंगे, तो उस भवनों के जो बाहरी जो मुख्य जहाँ पर गेट वगैरह होता है उसके आसपास अपने बहुत बड़े बड़े पत्थर लिखे हुए देखे होंगे, और उन पर विभिन्न प्रकार के जो स्वर्ण मतलब जो स्वर्ण टाइप में कलर होता है उससे वो नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं, जिनके जो भामाशाह वगैरह के या विशेष रूप से किसी लिए बनाए गए हैं उनके जो अपने नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो उसके अंदर क्या जानकारी दे रखी होती है, किसने कितने जैसे पैसे दिए हैं, या कोई किसी ने जमीन दे दी तो उसी के नाम से उसको अपने लिख देंगे, वो सारी जानकारी आएगी। तो अपन को ये अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, हजारों सालों तक इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विखंड नहीं होता, या जिनको एक बार लिख दिया है तो वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो इसमें अभिलेखों में भी विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं, जिसमें अपने पहले है स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख क्या है, जो स्तंभों पे बनाए जाते हैं। मान लो ये स्तंभ ले लिया, पत्र का स्तंभ बना दिया और उसके ऊपर अपने जानकारी लिख दी, तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभ अभिलेख। फिर इसमें लगभग 5 से 6 प्रकार इसमें अभिलेखों में, जिसमें पहला हो जाएगा अपने स्तंभ अभिलेख, फिर अपने जो स्तंभ अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, जिसमें एक तो सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए हैं स्कंदगुप्त ने लिखवाए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अभिलेख लिखवाए हैं वो लिखवाए हैं अशोक ने। सबने नाम सुना होगा अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख में भी 4-5 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। एक तो उसके जो विशाल सबसे बड़े अभिलेख थे, जो 8 जगह से प्राप्त हुए, कितने जगह से प्राप्त हुए हैं, 8 जगह से प्राप्त हुए हैं, और उसमें जो 8 जगह से प्राप्त हुए उसमें कहीं खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं, कहीं ब्राह्मणी लिपि में प्राप्त हुए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब उन अभिलेखों में जो बातें लिखी गई है वो अभिलेखों में अशोक के लगभग 13 एक जैसे मान लो इस 8 में से एक अभिलेख लें तो उस ये मान लो एक अभिलेख है, 8 में से एक अभिलेख यानी एक स्थान वाला अभिलेख लिया तो उसमें कितनी बातें लिखी हुई है, 13 बातें। तो इनको जो बातें लिखी जाती है इनको क्या कहा जाता है, अभिलेख। अब ये अलग अलग क्षेत्र से मिले हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था, अशोक है जो सभी प्रजा में अपना संदेश देना चाहते थे मुख्य रूप से, तो ये हो जाएंगे इसमें अशोक के अभिलेख है। इसके अलावा एक खारवेल का हाथी गुंपा अभिलेख, जो कलिंग के शासक थे उनका जो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो तत्कालीन समय में अपने को वहाँ की जानकारी देते हैं कलिंग की। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब गौतमी का पुत्र, सातवन वंश के शासक थे जो अपनी माताओं का नाम अपने साथ में लेते थे वो उपाधि के रूप में, तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक है। नासिक अभिलेख जो अपने महाराष्ट्र में है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, अभिलेखों के अंदर जानकारी देता है। अब ये अभिलेख क्या होते हैं, समसामयिक होते हैं। समसामयिक मतलब तत्कालीन घटना, अभी अपन देखते हैं न्यूज़ों में वगैरह अपन को जानकारियाँ मिलती है कि आज ये घटनाक्रम ये, तो यहाँ पर विशेष तौर पर कोई जैसे राजा कोई अभिषेक हो रहा है या राजा कोई जीत हासिल कर रहा है तो उसके उपलक्ष्य में वो क्या करेंगे, ऐसे अभिलेखों का वगैरह निर्माण करवाएंगे। तो वो जो इसमें बात लिखेंगे वो तत्कालीन समय की स्थिति परिस्थितियों की बात लिखेंगे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तत्कालीन समय की अपन को जानकारी देने के लिए, तो ये बहुत अपने महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने विभिन्न प्रकार की प्रशस्ति,
अभिलेख के साथ ही जुड़ी हुई है प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब जिसमें राजा महाराजा की जो ख्याति का बखान किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थिति प्रशस्ति अभिलेख है जो है अपने हरिसेन का। एक तो हरिसेन का यह अभिलेख है और एक प्रयाग प्रशस्ति जिसमें अपन को तत्कालीन समय में गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। और गुप्त शासकों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो समुद्रगुप्त की, कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाता है और उन विजय अभियानों में उत्तर भारत को कैसे जीतता है, दक्षिण भारत को कैसे जीतता है और वो अपनी मतलब जो अपनी शासन व्यवस्था को किस प्रकार से अच्छे से चलाता है, ये अपन को जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक अभी आएगा मुद्रा अभिलेख सिक्कों में पढ़ेंगे तो सिक्कों के अंदर जो अपने ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उसमें अश्वमेघ प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिसमें इससे अपन को पता चलता है कि भाई समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया होगा। लेकिन उसका जो ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रयाग वाला जो इलाहाबाद से मिला है उसके अंदर अपन को अश्वमेघ की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा इसमें या तो इसके बाद में करवाया होगा इसीलिए उसकी जानकारी अपन को नहीं मिलती है। तो इनका अभिलेख का बहुत महत्व है। अब अभिलेखों में पहला ये अभिलेख अपन पढ़ लिए, फिर आते हैं अपने शिलालेख। दूसरा नाम क्या है? स्तंभ अभिलेख, जो स्तंभ बनाए जाते हैं। फिर आता है शिलालेख। शिलालेख अब नाम से पता चलता है शिला यानी पत्थर। अब कोई बड़ा सा पत्थर ले लिया और उसके ऊपर उसके बारे में लिख लिया आपने उस क्षेत्र के बारे में या कोई विशेष जानकारी को लिख लिया तो वो कौन से आ जाएगा लेख में? शिलालेख में। फिर आता है अपने इसके बाद में आता है अपने शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण है जूनागढ़ वगैरह के जो अपने शिलालेख है। जूनागढ़ पड़ता है अपने गुजरात क्षेत्र में। गुजरात क्षेत्र का एक क्षेत्र है जिसमें इस रुद्र दामन है जो शक शासक है रुद्र दामन, उसने एक शिलालेख का निर्माण करवाया। शक शासक है इसने एक शिलालेख का नाम निर्माण करवाया जिसका नाम है जूनागढ़। अब जूनागढ़ क्या है? एक अपने ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक झील बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जूनागढ़ अभिलेख क्योंकि इससे चार पांच शासक जुड़े हुए हैं। जूनागढ़ अभिलेख से एक झील बनी हुई है और उस झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अकाल रात के लिए तत्कालीन समय में पानी की यहाँ पर थोड़ी कमी थी तो उसको पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त ने वहाँ के तत्कालीन समय के जो गवर्नर होंगे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब वो झील बनके तैयार हुई, अब थोड़े समय बाद वापस टूट गई तो फिर वापस अशोक ने इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया, अब वापस ये टूट गई और तीसरी बार अपने स्कंदगुप्त और चौथी बार अपने रुद्र दामन। अब ये इससे चंद्रगुप्त जुड़ा, फिर अशोक, फिर स्कंदगुप्त और फिर अपने रुद्र दामन। यानी रुद्र दामन ने अंतिम रूप से इससे जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया कि मेरे से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यह मतलब अपन को खुद की ख्याति बढ़ाने के लिए कह रहा है कि मेरे से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, फिर टूट गई और महान सम्राट जो भारत का अशोक था उसने इसका निर्माण करवाया, फिर वापस टूटने के बाद स्कंदगुप्त ने करवाया और अब अंतिम रूप में इसका निर्माण है जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये उसकी ख्याति के लिए वो क्या कर रहा है? इनसे संबंध जोड़ रहा है। तो इसकी जानकारी अपन को किससे मिलती है? अब ये कोई क्या प्रमाण बन गया कि रुद्र दामन से पहले ये शासक हुए हैं जिन्होंने भी क्या किया है जल व्यवस्था के लिए, जो महत्वपूर्ण जल संसाधन है तो जल व्यवस्था के लिए प्रशासनिक तौर पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कार्य किया है। तो ये अपन को इससे जानकारी मिलती है। तो सभी जो स्तंभ अभिलेख जैसे अपन बात कर रहे हैं इससे पहले मैंने प्रयाग अभिलेख की बताई है, मैंने प्रयाग में भी तीन चार शासकों के अपन को पहले से नाम पता चलता है क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग शासकों ने इसके ऊपर जो खाली जगह थी उसके ऊपर अपने अलग अलग कालखंडों में अपने अभिलेखों की रचना की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आते हैं अपने अगले शिलालेख के बाद में क्या आते हैं? गुहा लेख। जैसा कि नाम गुहा यानी गुफा, गुफाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के लेख लिखे गए हैं वो हो जाएंगे गुहा लेख। जैसे बात करें अपने सम्राट अशोक की तो सम्राट अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार की गुफाओं के निर्माण करवाए हैं। इसके अलावा जो दशरथ था इसका पुत्र अशोक का तो उसने भी इसमें विभिन्न प्रकार के जो निर्माण करवाए हैं बराबर की पहाड़ी में भी करवाए हैं और इसके अलावा एक दो और पहाड़ियों में इन्होंने ऐसी आजीविकों के लिए गुफाएं बना के उनको क्या किए? दान में दिए। तो उन दान में देने के लिए उन्होंने उनके गुफाओं के बाहर क्या किया है? ऐसे लेख लिखवाए जिसमें उन्होंने दान देने की की है। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपने दस्तावेज हो जाते हैं अपने पुरातात्विक स्रोत के। तो ये हो जाएंगे जिसमें अपन देखते हैं विस्तार से कि
अशोक के अभिलेख कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण है। ये अभिलेख लंबे कलात्मक एवं स्तंभ एवं शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्र दामन का शिलालेख जो काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का एक मैरोली का लोह स्तंभ तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, जो सबसे आज हजारों सालों से ऐसे का ऐसे दिल्ली के मैरोली में स्तंभ खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लिखा। तो ये भी उस जो अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें ना तो उसके ऊपर कोई सपरा बना हुआ है और उसमें जो बातें लिखी हुई है उसमें एक जगह नाम लिखा आता है चंद्र नाम, और उस चंद्र का संबंध किससे बताया है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्र नाम लिखा हुआ है, चंद्र द्वितीय नाम लिखा हुआ है, और इस चंद्र द्वितीय का गुप्त शासक के रूप में इसका अपने जो इतिहास वेत्ता हैं उन्होंने इसकी पहचान की है। तो ये भी अपने आप में जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये हो जाएंगे चंद्र का मैरोली का स्तंभ। इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ताम्र लेख, एक इसके अलावा गुहा लेख के बाद में कौन सा आता है, चौथा प्रकार का एक रहता है ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख क्या है, जो तांबे के पत्र होते थे, तांबे के विभिन्न प्रकार के पत्र होते थे, उनके ऊपर लिख के किसी को, मान लो कोई राजा है जो खुशी से खुश होकर कोई क्षेत्र दान दे रहा है, तो उसके ऊपर उन ताम्र पत्र के माध्यम से वो एक प्रमाण के रूप में, मान लो कोई कागज हो गया तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन वो ताम्र के ऊपर ताम्र पत्र पर लिख के देगा ताकि वो लंबे समय तक हजारों सालों तक उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ताम्र अभिलेखों का भी अपना महत्व होता है। अब देखो इनमें जो अभिलेख लिखे जाएंगे उसमें तिथि क्रम होगा, तत्कालीन समय के शासक का नाम होगा, उसके क्षेत्र का नाम होगा, या किसको दिया जा रहा है उसकी पदवी वगैरह का नाम होगा। तो इससे तत्कालीन समय की अपन को बात महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और पांचवा प्रकार आता है मूर्ति लेख। मूर्ति आपने भी बहुत सारी मूर्तियां देखी होगी, तस्वीरें देखी होगी, या तो उन मूर्तियों और तस्वीरों के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ होता है कि ये इस व्यक्ति की मूर्ति और इसने बनवाई है, या उसके नीचे सबसे लास्ट में नाम लिखा हुआ होता है कि ये फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को दान में दिया, इस विशेषता के कारण ये मूर्ति बनाई गई है। तो ये मूर्ति लेख भी अपने आप में बहुत, या किस प्रयोजन से इस मूर्ति की स्थापना की है, जैसे बात करें गंगेकोंड चोल, जो अपने दक्षिण में उत्तर भारत में जो चोल शासक था उसने उत्तर भारत में आक्रमण किया और वहां से अपने गंगा नदी के क्षेत्र को जीता, और उसके बाद में वहां से पानी वगैरह लेकर दक्षिण में जाते हैं और फिर वहां गंगेकोंड चोलपुरम ताला बनवाते हैं, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाते हैं। तो उसमें भी उन मूर्तियों वगैरह उसमें अपन को जानकारी मिलती है कि भाई किस प्रकार से जीत के लेके आए। तो वो विशेष क्या है, वो मूर्ति की स्थापना किस लिए हुई है, गंगेकोंड चोल की मूर्ति की स्थापना क्यों हुई है, क्योंकि उसने उत्तर भारत में जाकर उसको गंगा को जीत के आया है, और इसीलिए इसके गंगेकोंड चोलपुरम नाम से क्या बनता है, मंदिर, और वहां पर मूर्ति की स्थापना होती है। तो ये भी अपन को तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो ये हो जाएंगे। इसमें मैंने पहले बता दिया कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार की अपन को और राजनीतिक जानकारी इनसे प्राप्त होती है। तो ये अपने अभिलेख का दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा है सिक्के व मुद्राएं। सिक्के और मुद्राएं क्या है, सिक्के जानकारी के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कैसे है, अपन सीधा इसको लेकर चलते हैं, सिक्के के जानकारी के स्रोत। अब देखो पहला इसमें दे रखा है अपने तिथि क्रम। अब वर्तमान के भी सिक्के ले लो, कोई भी 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये का सिक्का ले लो, उस सिक्के के नीचे क्या लिखा होगा, सन लिखा हुआ होगा, यानी किस सन में वो बना है। तो अभी वर्तमान में ये जो संकल्पना कहाँ से आई है, ये प्राचीन काल से आई है। प्राचीन काल में भी जो सिक्के बने थे उन सिक्कों में तत्कालीन समय के राजाओं का जो तिथि क्रम है वो लिखा जाता था। तो मान लो कोई सिक्का अपन को प्राप्त हुआ है, जैसे अशोक का कोई सिक्का या समुद्रगुप्त का कोई सिक्का प्राप्त हुआ है और उसके ऊपर सन लिखा हुआ है, तो अपन को पता चलता है कि ये समय किसका है, सम्राट समुद्रगुप्त का समय है। तो ये अपन को तत्कालीन समय की तिथि क्रम की जानकारी देती है। इसके अलावा धार्मिक विश्वास कैसे, धार्मिक विश्वास। अब मान लो एक सिक्का है और उसके ऊपर कार्तिकेय का चित्र बना हुआ है, कार्तिक का चित्र बना हुआ है, या लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है, या तत्कालीन समय में कोई अन्य शासक जो अपने अन्य देवता का बना हुआ चित्र, मान लो कार्तिक वगैरह का बना हुआ है, तो पता चलता है कि भाई शैव धर्म के समर्थक थे। इसके अलावा मान लो भगवान बुद्ध का कोई चित्र वगैरह बना हुआ है, तो तत्कालीन समय का एक तरफ तो इसका भगवान बुद्ध का चित्र बना हुआ है और पीछे मान लो किसी का नाम लिखा हुआ है राजा का, तो इससे पता चलता है कि भाई इस राजा के ऊपर किसका प्रभाव था, बौद्ध धर्म के किसी अपने जो साधु संन्यासी का प्रभाव था या बहुत भिक्षु का प्रभाव था। तो ये तत्कालीन समय की अपन को धार्मिक जानकारी देता है, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है धार्मिक जानकारी के। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है कला की जानकारी मिलती है। कला की जानकारी कैसे, जैसे मान लो एक सिक्का है, जैसे अपन को सिक्के प्राप्त हुए हैं सम्राट जो समुद्रगुप्त मौर्य के सिक्के नहीं समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो समुद्रगुप्त है कौन सा शासक है, गुप्त शासक है। अब गुप्त शासक गुप्त काल में इसने क्या किया, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें एक वीणा लेके बैठा हुआ है समुद्रगुप्त। अब ये वीणा लेके बैठा हुआ है तो अपन को क्या पता चल रहा है कि भाई समुद्रगुप्त किसका मतलब समुद्रगुप्त क्या करता था, वीणा बजाता था, यानी वीणा वादन के अंदर वो महारत हासिल थी या वीणा वादन करना उसको अच्छा लगता था। उसकी कला की जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है कि गुप्त काल के अंदर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रचलन था,
तो ये कला की जानकारी अपन को हो जाएगी। इसके अलावा मान लो कोई राजा शिकार करते हुए वहाँ पर अपने शिकार का प्रचलन कर रहा है तो ये तत्कालीन समय के शिकार की अपन को जानकारी मिलेगी, या कोई पशु पक्षी का पालन कर रहा है तो उसकी जानकारी मिलेगी वहाँ पर अपन को। तो ये सारी अपने कला के विकास डालता है। इसके अलावा व्यापार एवं आर्थिक स्तर की जानकारी, व्यापार और आर्थिक स्तर की कैसे जानकारी मिलेगी, अगला पॉइंट है इसमें व्यापार और आर्थिक स्तर। अब व्यापार, अब मान लो कोई राजा है, किसी राजा ने सिक्का जारी किया, अब उस इतना बड़ा एक सिक्का जारी किया और वो सिक्का क्या है, शुद्ध सोने का है, शुद्ध सोने का है, और एक सिक्का है जो इससे आकार में बड़ा है लेकिन वो सिक्का कैसा है, मतलब उसमें थोड़ी क्या है, खोट है। तो अब यह क्या पता चलेगा अपन को, थोड़ी खोट है तो क्या पता चलेगा कि शुद्ध सोने का सिक्का है, इसका मतलब उस राजा का काल क्या है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, स्वाभाविक है सोना शुद्ध है, इसका मतलब राजा क्या है, उस समय समृद्ध है, इसलिए वो सोने का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। और जो खोट है, मिलावट है, मान लो किसी क्षेत्र में मिलावट का असर पड़ा है, इसका मतलब उसके आय स्रोत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो तत्कालीन समय की आर्थिक स्थिति की उनको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा मान लो व्यापार की जानकारी कैसे, मान लो ये अपना पूरा विस्तृत भारत है, अब इसमें उत्तर भारत में भी किसी राजा के सिक्के मिले हैं, दक्षिण भारत में भी किसी राजा के सिक्के मिले हैं, पूर्व भारत में भी किसी राजा के सिक्के मिले हैं, और जिस जिस क्षेत्रों में सिक्के मिले हैं उन क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इस राजा का व्यापार है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था, यानी जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में इसके सिक्के मिलेंगे वहाँ तक उस राजा के क्षेत्र की अपन को जानकारी मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है व्यापार और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी के, आर्थिक स्थिति की जानकारी के। इसके अलावा क्या है, नवीन तथ्यों का उद्घाटन, नवीन तथ्यों का उद्घाटन कैसे हो जाएगा, जैसे बात करें नवीन तथ्यों की बात करें, अगला पॉइंट है नवीन तथ्यों का उद्घाटन, नवीन तथ्य। अब नवीन तथ्य कैसे, जैसे मान लो एक राजा है इस क्षेत्र से का कोई राजा है और इस क्षेत्र के राजा, यहाँ के सिक्के अलग चल रहे हैं और यहाँ के सिक्के अलग चल रहे हैं, अब इस राजा ने इसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर लिया। अब आक्रमण करने के बाद में ये राजा क्या हो गया, हार गया। अब इस राजा के हारने के बाद में ये राजा क्या करेगा, इसके जो सिक्के चल रहे हैं उसमें एक तरफ तो इस राजा के नाम वगैरह हो जाएगा और दूसरी तरफ ये अपना नाम वगैरह खुदवा देगा, लिखवा देगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये राजा है जो किससे, इस राजा से हार गया है और इसने इसकी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली है तभी ये इसके राज्य में अब इसके नाम के और इसके नाम के दोनों के नाम से क्या चलेंगे, सिक्के चलेंगे। जैसा कि अपन को पृथ्वीराज और गौरी के सिक्के प्राप्त होते हैं कहीं, जिसमें एक तरफ गौरी लिखा हुआ है और एक तरफ पृथ्वी लिखा हुआ है, जिससे अपन को पता चलता है कि भाई शायद पृथ्वीराज ने, ये किम वंदती है, शायद पृथ्वीराज ने गौरी की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, तभी अपन को इस प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये तभी नवीन तथ्यों की अपन को जानकारी देता है। इसके अलावा शासकों की रुचियाँ, शासक किन किन कार्यों में आनंद लेते हैं उनकी अपन को जानकारी इन सिक्कों के माध्यम से चल सकती है, जैसे किसी को मंदिर बनाने में है, किसी को चित्रकला में है, किसी को नवीन विजयों के अंदर अपनी उपलब्धियां हैं, तो रुचि के अनुसार भी अपन को इसके रुचियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे सिक्के हैं जो मुख्य रूप से अपन को तत्कालीन समय की तिथि क्रम की, धार्मिक विश्वास की, कलाओं की, व्यापार वाणिज्य और आर्थिक स्थिति की और नवीन तथ्यों की जानकारी देती है। इसके अलावा राजाओं को किस किस बात में इंटरेस्ट है वो सारे इनकी अपन को जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास में जानकारी के स्रोतों के, सिक्कों में मुद्राओं और मौर्य का महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें शासकों के नाम, तिथि, चित्र, वंशक्रम, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासन की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों में हमें महत्वपूर्ण सूचना मिलती है, गुप्त का वीणा वादन प्रकार और व्याघ्र नियंता, वीणा प्रकार जिसमें तो उसकी कला की जानकारी मिलती है और व्याघ्र नियंता यानी शेर को मारने वाला जो चित्र है उससे उसके साहस की अपन को जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसी प्रकार कुमारगुप्त के, कार्तिक के प्रकार के सिक्के हैं जो अपन को उसको धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है, शैव अनुयायी होने की पुष्टि करता है। इसके अलावा सिक्कों पर राज्य के विस्तार, आर्थिक स्तर, धार्मिक कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। इससे पहले प्राप्त होने वाले सिक्कों में चांदी और तांबे के सिक्के सर्वाधिक अपन को पाए गए, लेकिन बाद में जब गुप्त काल के ये जो विदेशी आक्रमण हुए, कनिष्क काल में जो व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो उस समय है सोने के सिक्कों का प्रचलन ज़्यादा होता है। तो ये तत्कालीन समय की अपन को जानकारी प्राप्त होती है। अब अपन कुछ क्षेत्र है जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें तो अपन ने देख लिया किस प्रकार से सिक्कों का महत्व है। अब सिक्कों के बाद में अपने अगला है स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, जैसा कि अपन नाम सुनते हैं मन में एक खुशी सी आती है कि अपन कहीं स्टूडियो में घूमने के लिए जा रहे हैं, ताजमहल देखने के लिए गए, ताजमहल, अपन लाल किला, या कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पर जैसे अपन ने अजंता, एलोरा, या कोई जैसे बौद्ध स्तूप है अपने, बौद्ध स्तूप, चैत्य विहार, ये तीनों अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा कोई तत्कालीन जैसे सोमनाथ का मंदिर है,
तो मंदिर वगैरह, तो इसमें सारे भवन और स्मारक इसमें सारे आ जाएंगे तत्कालीन समय, प्राचीन समय के जितने भी जो अपन को अवशेष दिखाई देते हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, स्मारक एवं भवन, जिसमें मुख्य रूप से अपन सीधा लेते हैं पुरातात्विक सरोवरों के अंदर भूमि पर एवं भूगर्भ भूमि के ऊपर और भूगर्भ यानी जमीन के अंदर किसी भी स्थान के अवशेष, इसमें स्तूप क्षेत्रीय विहार मठ मंदिर राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब महल से होता है यानी जहाँ पर राजा निवास करता है, तो राजप्रसाद दुर्ग सैनिक दृष्टि से जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और भवन ये सारे किसमें आ जाएंगे अपने स्मारक एवं भवन में। इससे उस तत्कालीन समय के मान लो अब मंदिर ये है तो मंदिर के अंदर तत्कालीन समय के जो मूर्तियां वगैरह होगी तो मूर्तियों किस प्रकार से कलाकृतियां बनी हैं, गुफाएं हैं तो गुफाओं में भी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां वगैरह बनती है, तो ये तत्कालीन समय की अपन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अभी ये जिंदा एलोरा का मैं संबंध जोड़ूंगा इसमें मूर्तियों और शैल चित्रों से, तो उस समय तत्कालीन जो शैल चित्र वगैरह बने हैं तो उनसे भी चित्रों में किस प्रकार की जो स्थिति है परिस्थिति है उससे अपन को तत्कालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें दो तीन चार जगह अपन ले लेते हैं जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से अपन ने पूर्व में पढ़ लिया कि अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें उस समय की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है, जैसे स्नानागार मिले हैं वहाँ पर, जो विशाल अन्नागार मिले हैं, इसके अलावा नालियाँ वगैरह मिली है या जो भवन निर्माण की कलाएँ मिली है, तो उस समय की संस्कृति की अपन को जानकारी देते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बात करते हैं अपने जावा मलाया सुमात्रा इंडोनेशिया, तो इन देशों में भारत का क्या संबंध है, अब इसकी जानकारी अपने को कैसे मिलेगी, अब कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं उस समय की अपन को जानकारी दे दे, तो ये उस समय की जानकारी कैसे मिलेगी, उस समय के जो यहाँ पर भवन वगैरह बने हुए हैं कुछ यहाँ के विशेष मंदिर मिले हैं जो अपन देखते हैं, जिसमें देखो यहाँ पर एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण मिला है कंबोडिया जो थाईलैंड है वर्तमान कंबोडिया है जो वर्तमान का थाईलैंड है, उस कंबोडिया के अंदर एक मंदिर मिला है, बहुत बड़ा मंदिर मिला है जिसका नाम है अंकोरवाट के मंदिर। ये मंदिर इतने विशाल मतलब 3-4 किलोमीटर में फैले हुए मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, तो इसके अंदर तत्कालीन समय के राजाओं ने जो मंदिर बनाए हैं और जो कला है वो भारतीय कला से बहुत संबंध रखती है, तो इससे भारत का इससे संबंध अपन को पता चलता है, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा इस और कौन से हैं, जावा की बात करें तो जावा में जो एक महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है बोरोबुद्धुर का मंदिर, तो यहाँ से भी अपन को तत्कालीन समय की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि भारत के यहाँ से क्या थे संबंध थे, तो ये सारे किस्में जाएंगे स्मारक और भवन में। इसके बाद लेके चलते हैं अपन सर अंतिम, इसमें है पुरातात्विक स्रोतों का अंतिम जो पार्ट है जिसका नाम है मूर्तियाँ और अपने शैल चित्र। अब मूर्तियाँ का जो मैंने बताया, जैसे हड़प्पा के अंदर अपन को नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की मूर्ति है, कांस्य है, कांसा बना हुआ होता है, तांबा और टीन को मिला के बनाते हैं, तो उसकी मूर्ति बनी हुई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और तत्कालीन समय की अपन को जो कला कांस्य कला की अपन को जानकारी देता है। इसके अलावा इस नर्तकी की मूर्ति है, इसका मतलब वहाँ पर नृत्य गान का भी कार्यक्रम होता था, तो इसकी भी अपन को जानकारी मिलती है। अब इस नर्तकी के कौन कौन से किस प्रकार के आभूषण वगैरह पहने हुए हैं, तो उसके में कि आभूषण की वगैरह की कलाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक योगी की मूर्ति मिली है, अब योगी की मूर्ति है तो वो योग किस प्रकार से है, वो उसने तिपतिया साल ओढ़े हुए हैं, तो उस तिपतिया साल यानी उस कपड़े की जानकारी मिलती है। अब उसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है तीन पतियों वाली, तो उसके समय की कलात्मक डिजाइन की अपन को जानकारी मिलती है, तो ये सारे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पशुपति की मूर्ति मिली है जिसमें एक तरफ सिंह और गैंडे के अपने चित्र बने हुए हैं, एक तरफ अपने भैंसे और अपने हाथी के चित्र बने हुए हैं, इसके अलावा नीचे हिरण के चित्र बने हुए, तीन हिरण बने हुए मूर्ति पे उकेरे हुए हैं, और जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ है उसके खुद के सिंह वगैरह, इस प्रकार से बनी हुई मूर्ति है, तो उस समय की जानकारी अपन को देता है कि भाई वहाँ पशुपति की पूजा होती होगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण समय के पशु है उनकी जानकारी मिलती है, तो ये अपने आप में तत्कालीन समय की अपन को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान। इसके अलावा शैल चित्र जैसा कि मैंने पहले बता दिया, अजंता एलोरा के गुफाओं में उनका के चित्र मिले हैं, उन चित्रों में वहाँ के बौद्ध धर्म की जो दाता कथाओं के चित्र अंकन वगैरह किए हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भीमबेटका सबसे प्राचीन है, भीमबेटका जो कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है, भीमबेटका के अंदर तत्कालीन समय में जो प्राचीन मानव पाषाण काल के अंदर जो मानव था उसके चित्र मिले हैं। अब वो यहाँ पर जैसे ये ऐसा इस प्रकार का चित्र बना हुआ है,
एक ये इस प्रकार का चित्र बना, यहाँ हाथ में ये तीर कमान ले रखे हैं, ये तीर कमान ले रखे हैं, और बीच में वहाँ लोग पशु का चित्र इस प्रकार से दे दिया। अब ये बने हुए रूढ़ अवस्था में, मतलब पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं है, लेकिन इन चित्रों से क्या मालूम चल रहा है अपन को कि तत्कालीन समय में पशु पक्षियों का सामूहिक रूप से क्या होता था, शिकार किया जाता था, और पशु पक्षियों का शिकार मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा वो चित्रों का विभिन्न प्रकार के उस समय के चित्रों का अध्ययन किया जाता है पुरातत्वविदों द्वारा, तो विभिन्न प्रकार की उस परिस्थितियों की ये जानकारी अपन को प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण है तो देख लेते हैं कौन कौन से मूर्तियां शैल चित्र में। उत्खनन के अनेक स्थानों पर विभिन्न मूर्तियां टेराकोटा मैंने बता दिया कि जो गीली मिट्टी से बनाए गए जो उपकरण होते हैं उनको कहा जाता है टेराकोटा। तो टेराकोटा की कलाकृतियां प्राप्त हुई है, इनमें समय के धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस प्रकार से मिलती है जो मैंने पहले बता दिया, और इनके अलावा चित्रकला में मानव जीवन को प्रमाण रूप से अभिव्यक्त करने की जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में जो शैलाश्रय का प्रारंभिक मानव का किस प्रकार का जीवन था वो अपन को इस प्रकार से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ये जो शैल चित्र है तत्कालीन समय में जो गुफाओं में किस प्रकार से जीवन यापन करते थे वो अपन को जानकारी देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान में भी कुछ अपन को शैल चित्र मिले हैं जिसमें अपने एक उत्तरी राजस्थान में और शेखावाटी क्षेत्र जो अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी उनको जानकारी मिलती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए अपने